दोस्तों ये देखिए, ये हमने कटिंग से जो है अपने एयर का पाम को हमने ये देखिए कटिंग से लगाया था। इसमें देखिए कई ब्रांचेज हैं, देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कई ब्रांचेज हैं, और इसको हमने सिंपल कटिंग से लगाया था। मैंने जैसे आपकी कई एक आपने देखा होगा प्रायः करके कि एरिका पॉम के पेड़ों में ऐसे साइड साइड में कई ब्रांचेस निकल आती हैं, तो आप उसको सिंपली क्या करिए कि एक थोड़ा सा नीचे की मिट्टी ऐसे हटा के और एक शार्प चाकू से जो है एक साइड से ऐसे आप बचा के ऐसे काटिए कि मतलब जो मुख्य पेड़ है उसकी पूरी जड़ जो है कटने ना पाए, पूरी जड़ कटने ना पाए। और इसमें मतलब ये है कि ये कुछ एक दो रूट्स जो है उसकी जो है पुरानी जो है मेन पेड़ की भी जो है आ जाए, और उसके बाद आप उसको जो है एक ऐसे जैसे हमने जो देखिए सिंपली जो है ग्रो बैग में एक बोरी थी उसी के अंदर डाल दिया था। थोड़ा टाइम लेता है लेकिन मित्रों ये 100% है कि ये देखिए कितनी हरियाली ली हुई है। ये कटिंग से तैयार किया हुआ हमारा पेड़ है, आप इसकी खूबसूरती देखें कि किस तरीके से ये हरा भरा है। इसमें हमने सिंपल कोई खाद नहीं डाली है, केवल अपने किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद डाली है, और इसकी आप खूबसूरती देखें कैसे लहला रहा है ये पेड़। देखिए आप भी इस तरीके से आप चाहें तो ये कटिंग करके आओ। अच्छा, इसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, जैसे मिट्टी तैयार करनी पड़ी। इसमें मेन है मिट्टी, मिट्टी को क्या करना है कि आप 40% जो है अपने किचन गार्डन की मिट्टी ले लें और उसमें 30% सैंड डाल दें, रिवर सैंड डाल दें वाइट वाली, तो ये 70 हो गया। और 30% जो है आप काउडंग से जो है बनी हुई अच्छी बर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद डाल दें। अगर आपके पास मान लिया गाय के गोबर की खाद नहीं है तो आप अपने किचन वेस्ट से बनाई हुई खाद को भी उसमें डाल सकते हैं। उसमें मात्रा कोई भी हो, ये है कि जैसे मान लिया 50-50% भी आप कर सकते हैं, 40-30-30 भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसमें आप उसको नीचे कम से कम ये जान लीजिए कि आप उसको एक 5-4 इंची कम से कम नीचे आप इसके उसको लगाएं ताकि वो आराम से जो है उसको नमी मिलती रहे और उसकी रूटिंग अच्छे से होती रहे। अच्छा, आप उसमें क्या कहते हैं कि रूटिंग के लिए आप चाहें तो मैंने शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास एलोवेरा आपने लगा रखा है तो उसका वो नेचुरल जो है रूटिंग हार्मोन्स का काम करता है उसको लगा सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप जो है आप हार्मोन्स मार्केट से भी ले सकते हैं, तमाम तरह के आते हैं, अमेजोन वगैरह पे मिलते हैं, आप लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से हमने लगाए हैं और देखिए किस तरह से ये आज मतलब एकदम तैयार है। कई हमारे दोस्तों ने डिमांड करी थी कि हमारी आवाज़ हमारी जो वीडियो मैंने डाली थी एरिका से कटिंग की उसकी आवाज़ नहीं आ रही है और उसमें जो है प्रॉब्लम्स हो रही है हमारे दोस्तों को, तो हमने वादा किया था कि हम एक दूसरा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आप उनको दिखाएंगे कि ये जो है जिसमें आवाज़ रहेगी और हमारा वो कटिंग का जो पेड़ भी है हमने सोचा था तैयार हो जाए ताकि हम उसको भी दिखाएं। दोस्तों हम आइए आज दिखाते हैं कि किन जो हमारे एरिका पॉम के पेड़ हैं कितने स्वस्थ हैं और इसको हमने कैसे बना रखा है। देखिए सिंपल से एक छोटे से गमले में, देखिए ये हमारा एरिका पॉम का गार्डन है और हमने अपने रूप में लगा रखा है अपने किचन गार्डन में। एक हमने एक फ्लावर का भी एक कार्नर बना रखा है और देखिए एक मात्र जो है 10-12 इंची के गमले में लगा हुआ है और देखिए कैसे जो है लहला रहा है, हरियाली इसकी देखिए, किसी प्रकार से किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है, केवल किचन वेस्ट से बनी हुई लिक्विड फर्टिलाइज़र और किचन वेस्ट से बनी हुई हमारी खाद जो हमारे क्या कहते हैं कि जो पेड़ हमारे बाद में जिनका काम समाप्त हो जाता है, जैसे टोमेटो है, जैसे और भी है ब्रांजिल है और तमाम जो भी पेड़ हैं उनके पत्ते हम उनको सबको इकट्ठा कर एक बोरी में इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें उसका हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं। उसमें हमने आपको कई बार बताया, अभी हमने एक वीडियो जो है डाला है उसमें भी मैंने ये बताया है कि कैसे उसको खाद बना सकते हैं। 3-4-5 इस तरीके से आप इसको मतलब 5 पेड़ बन जाएगा
बड़े आराम से 5 गमले लगा के आप 5 पेड़ मत तैयार कर सकते हैं। और इनकी देखिए, इनकी खुशियाँ देखिए कैसे लहला रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है एरिका पॉम को एक से अनेक पेड़ बना सकते हैं, अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। गमले ला के आपको बाज़ार से जाके, क्योंकि ये महंगे मिलते हैं पेड़, इंडोर पेड़ प्लांट्स हैं तो महंगे मिलते हैं, तो इसको आपको बहुत ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से आप लगाएँ, और हाँ 15 दिन पर आप इसमें नीम की खली जो है ज़रूर डालें, क्योंकि इसके अंदर, इसके जड़ों में जो है अमूमन चींटियाँ या फंगस लगने के चांसेस होते, तो आप इसमें नीम आयल का ऊपर पेड़ के ऊपर छिड़काव करें, और नीम के जड़ों में आप नीम की खली ज़रूर डालें। जान लीजिए कि इसके बिना ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें जो है कीड़े अगर लग जाएंगे तो ये इसके जड़ों में वो दीमक वगैरह जो है काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा। कृपया कमेंट करिए। देखिए, हमने देखा है कि वीडियोज़ हमारे काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन उसमें कमेंट नहीं करते हैं। भाई लाइक करने में आपका कुछ, मैं तो यही कहता हूँ, कुछ जाता नहीं है। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो बना के दूंगा। काफ़ी मतलब इसके अंदर जो है परिश्रम करना पड़ता है, तो इसमें लाइक और अगर आप करें, कमेंट करें, हम तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं अच्छा लगा वो भी आप बताएं, तो इससे हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम जो है एक उसमें और भी वीडियो डालने के लिए प्रेरित होंगे। तो आप सबसे ये निवेदन है कि हमारे वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल ग्रीन इंडिया अपना किचन गार्डन को सब्सक्राइब करें। बहुत ज़रूरी है कुछ हमारा हमारा चैनल कुछ आगे बढ़े, इससे मेरा भी हौसला बढ़े और हम हमेशा आपको जो है एक नए नए वीडियो डालते रहें। अच्छा, यदि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो उसको भी कमेंट करिए, ताकि हम अगली वीडियो में उसका अपना सुधार करें। इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। टेक केयर, जय हिंद।